सांसद प्रज्ञा ठाकुर की मानसिकता का परीक्षण करवाना चाहिए। मैं सांसद प्रज्ञा को चुनौती देता हूं कि वे चाहे जितनी मारक शक्ति का प्रयोग मेरे ऊपर कर ले। यह बात कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने कही। देखिए खास रिपोर्ट। जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। विपक्ष द्वारा भाजपा नेताओं पर मारक शक्ति का प्रयोग करने वाले सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कमलनाथ सरकार का पलटवार लगातार जारी है। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि प्रज्ञा मुझ पर चाहे जितनी मारक शक्ति का प्रयोग कर ले। मैं तो उनको चुनौती देता हूँ और जितनी भी दुनिया की मारक शक्तियाँ गोविंद सिंह पे अपना लें। ये तो स्थानांतरिक हैं, भारतीय जनता पार्टी में रही हैं, साध्वी हैं, तंत्र मंत्र ज्ञान जानती हैं। जब उन्हें हम तो जानते नहीं क्या तंत्र होता है, सुना भी नहीं। आधुनिक युग में आज विज्ञान मिसाइल और चंद्रयान पर यात्रा कर रहे लोग, यहाँ तक संस्कृति अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और आज वो सांसद इस प्रकार की हल्की बात करना, तो उनसे मैं चुनौती देता हूँ कि जितनी शक्तियाँ हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें तंत्र मंत्र सीखा है वो गोविंद सिंह पर चला रहे हैं, अगर हिम्मत हो किसी में भी तो। वहीं मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर की मानसिकता का परीक्षण करवाना चाहिए। अब उनकी तो मानसिकता का परीक्षण कराना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए नहीं कहेंगे कि उनकी उम्र में काफ़ी छोटी है और लाहौर की रहने वाली ये लड़की है, इसलिए हम ज़्यादा उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन उनको भी हमारे कम से कम क्षेत्र की गरिमा को ख्याल करते हुए, जहाँ पैदा हुई हैं हमारे क्षेत्र में लाहौर में, उनका जीवन शुरुआत वहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ के वातावरण में वहाँ की मिट्टी में पली बढ़ी हैं, तो इस तरह की छवि खराब करना, उस तरह के अभद्रता के पूर्ण भाषण देना या बयान देना, इस पर जरा लाल की गरमा का जरा ख्याल रखें। और वहाँ जिस जनता ने इनको पूरा मान सम्मान दिया है, तो उस तरह के उनको काम नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर सांसद प्रज्ञा ने विपक्ष पर निशाना साधने के चक्कर में उल्टा अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।